गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास टू में हिंदी व्याकरण का क्लास लेने के लिए आया हूँ। इसमें से हिंदी व्याकरण के जो पुस्तक है मुस्कान व्याकरण मुस्कान, ये इसमें हम लोग यह पिछले क्लास में हम लोग लिए थे, फर्स्ट क्लास लिए थे, जिसमें से हमारा पहला चैप्टर था भाषा और व्याकरण, यानी इंग्लिश में अगर देखा जाए तो लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो इसमें हम लोग कुछ चैप्टर से पांच पेज तक हम लोग पढ़े थे, भाषा के बारे में जाने थे। अब भाषा के कितने रूप हैं, जब पिछले साल से कुछ हम पिछले बैक से अगर चले तो भाषा के हम लोग पढ़े थे कि भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक, दो भाषा पढ़े थे। मौखिक भाषा जब हम भाषा की सहायता से अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं तो उसको हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। और जब हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं, कोई भी चीज जैसे हम अभी लिखे हुए हैं लिख के प्रकट करते हैं उसको और दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं, इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, जो आप लोगों को बोले थे अगला क्लास लेंगे। तो हमारे देश की विभिन्न भाषाएं ना, डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे हम जानते हैं हिंदी है, इंग्लिश है, अंग्रेजी है, उर्दू है, तो ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे भाषाएं हैं। तो किस प्रदेश में हमारा कौन सा भाषा बोला जाता है, अगर यदि हम लोग यहाँ राज्य के रूप में चले जाए राज्य, और इधर हम लोग भाषा जाए कि किस राज्य में कौन सा भाषा है, तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि हमारे भाषा कॉमन है, जो कि हमारे दो तीन राज्य में अलग वही सेम भाषा बोली जाती है। जैसे अगर हमारा यदि अगर हिंदी भाषा दिया जाए तो हमारा राज्य किस किस राज्य में बोला जाता है, एक तो हमारा बिहार में भी हमारा हिंदी भाषा, बिहार में और भी भाषा बोली जाती है यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में, तो हमारा हिंदी बिहार में बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, ठीक राज्य में बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, ये कौन सी भाषा बोली जाती है, इसको हम लोग अगर करें तो हमारा ये हिंदी भाषा बोली जाती है। और भी है, और भी बहुत सारे राज्य हैं, जैसे हमारे झारखंड में भी जो है कुछ ऐसे जो क्षेत्र में हमारा हिंदी भाषा का यूज किया जाता है। अब उसी तरह का कैटेगरी अगर हमारा जो हम लोग बुक में यहाँ पर दर्शाया हुआ है तो हम लोग उसके बाद एक एक करके पढ़ते हैं, बताते हैं कि पंजाब में पंजाबी भाषा का यूज किया जाता है, असम में असमिया भाषा का यूज होता है, उड़ीसा में उड़िया भाषा यूज होता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती भाषा, पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा, और केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल, और मणिपुर में मणिपुरी भाषा बोली जाती है। तो ये हम लोग भाषा के बारे में अभी हम लोग बहुत कुछ जान रहे हैं। विश्व की व्यू में अब हमारे, ये तो हमारे कंट्री के अंदर की बात है, अब हमारे कंट्री से विश्व, हमारे देश से बाहर की अदर कंट्री के बारे में बात करें तो विश्व की विभिन्न भाषाएं, अगर हम किसी और देश में दूसरे देश में चले तो चीन चलते हैं, तो चीन में हमारी कौन सी भाषा बोली जाती है, चीनी भाषा, जापान में जापानी भाषा, इंग्लैंड और अमेरिका में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, और उसी तरह हम लोग फ्रांस में फ्रेंच भाषा, पाकिस्तान में उर्दू भाषा बोली जाती है, अरब में अरबी भाषा बोली जाती है। तो जो कहता है भाषा के लेखन विधि के होता है रिटन फॉर्म लैंग्वेज, यानी हम लोग के स्क्रिप्ट, मतलब हम लोग किस जो भाषा लिखते हैं उसका स्क्रिप्ट क्या है, लेखन विधि। तो कहता है कि मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए ध्वनि चिन्हों या वर्णों की विशेष आवश्यकता की रचना की गई है, यह व्यवस्था लिपि कहा जाता है। तो जो भी चीज हम लोग मौखिक भाषा में जो चीज हम बोलते हैं और उसको लिखे लिखते हैं और उसको जो हम लोग ध्वनि चिन्ह का जो हम लोग ध्वनि या वर्ण का उच्चारण देते हैं तो एक लिपि के रूप में रचना किया गया, इस व्यवस्था लिपि व्यवस्था को हम लोग इस व्यवस्था को लिपि कहा गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाषा क्या है और लिपि क्या है, भाषा के बारे में कैसे जाए, भाषा के हिसाब से उसका लिपि क्या है, वो कैटेगरी बांटा गया है। तो प्रत्येक भाषा की एक अपनी अपनी अलग अलग लिपि होती है, प्रमुख भाषाओं और उनके लिपियों का विवरण नीचे बुक में यहाँ पे दिया गया है। जैसे हमारे हिंदी भाषा का हमारा जो लिपि क्या है वो देवनागरी है, अंग्रेजी का रोमन है, उर्दू का फारसी है, तमिल का तमिल है, संस्कृत का देवनागरी है, पंजाबी का गुरुमुखी है, मराठी का देवनागरी, नेपाली का देवनागरी। यानी अब हमारे सवाल ये उठता है क्या हमारा जो है हिंदी भाषा है, वो जो पूछा जाता है हम लोग हिंदी भाषा का यूज करते जो हमारे देश में
बोला जाता है हिंदी भाषा। तो वो हमारा लिपि क्या है, उसकी क्या लिपि है, देवनागरी है। अब देख लीजिए देवनागरी हमारी भाषा जो लिखा है, लिपि जो दिया गया वो किस किस भाषा में है, कहाँ कहाँ है। तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, और हमारा मराठी भाषा का लिपि है देवनागरी, संस्कृत भाषा का लिपि है देवनागरी, और नेपाली भाषा की लिपि है देवनागरी। अब कहता है कि व्याकरण, व्याकरण क्या है, कहता है प्रत्येक भाषा के कार्य की तरह भाषा को शुद्ध बोलने व लिखने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए। तो कोई भी चीज की भाषा को अगर हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना, तो हम लोग बोलते हैं, या हो सकता है कि वो बोलना हमारा वो सही बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, क्या वो लिखना मेरा सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक व्याकरण का सहायता लेते हैं, व्याकरण की सहायता से हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलते हैं और शुद्ध शुद्ध लिखते हैं। तो प्रत्येक कार्य की तरह भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं, जो भाषा के नियमों का ही दूसरा नाम व्याकरण है। तो व्याकरण का महत्व क्या क्या है, तो कहता है व्याकरण का क्या महत्व है, क्यों व्याकरण का हम यूज करते हैं, क्यों व्याकरण का हेल्प लेते हैं। तो व्याकरण हमें किसी भाषा को बोलने और लिखने का सही ढंग बताती है। कहता है व्याकरण भाषा के नियम बताता है, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देता है। तो ये चीज आपको व्याकरण में आप लोगों को बताया गया है। तो इससे रिलेटेड अगर हम लोग अभी करें, ये अभ्यास बुक में है, तो इस बुक से रिलेटेड जो है आप पूरा स्टडी करेंगे, जो आपको बताया नहीं किया था आज पूरा बता दिया गया। आप इसे स्टडी करके इसका अभ्यास जो है करके रखेंगे, बनाएंगे, और नहीं तो अगर जहां तक होगा तो इसके अगले क्लास में आप लोगों को पूरा क्वेश्चन आंसर बना के दे दिया जाएगा। आप लोग फिर भी स्टडी करेंगे, चैप्टर का पूरा फुल स्टडी।